तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है ब्रेड को टोस्ट कर ली है और उसके साथ क्रीम। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और आज मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाया है, चाय नहीं बनाया है। चाय कुछ कभी कभी पीना मन नहीं करते हैं, कॉफ़ी पीना भी मन करते हैं, लेकिन कॉफ़ी में इतना ज़्यादा घर में ला कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि इतना कॉफ़ी हम लोग नहीं पीते हैं। गौतम को तो अच्छा नहीं लगता है इतना कॉफ़ी, तो हम दोनों चाय ही पीते हैं, तो इसलिए। तो कल मैंने कॉफ़ी लाई थी खाने का पीने के लिए सुबह, तो आज कॉफ़ी बना ली। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं किसी के लिए खाना बनाऊंगी, और अभी हुआ है 9:50, तो वो कब तक सोकर उठेंगे मुझे पता नहीं। कल तो क्या हुआ, इतना जल्दी वो सोकर उठ गए, लगभग 7:30 में शायद उठ गए थे। तो इतना मुझे प्रॉब्लम हुआ ना वो उठने से, मेरा कुछ भी मतलब घर का काम था तो हो गया था, डस्टबिन मोपिंग खाना बनाना ये सब हो गया था, लेकिन मुझे नहाना था, मैं नहाने वाली थी, तो ब्रेकफास्ट बनाना था, ब्रेकफास्ट करने, तो बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग हो गया था। तो कल पूरा दिन मेरा काम करते ही निकल गया। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि 10 बजे तक सोते हैं ना, तब तक मेरा आधा अधिक मतलब 80% काम हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट और बेसिक काम है वो मेरा हो जाता है, लेकिन अगर वो जल्दी उठ जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। और मोपिंग में हफ्ते में 3 बार करती हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और आज थर्सडे है, तो आज तो मैंने देखा है कि कुली सोकर उठ गए हैं। कुली का मुझे एक ही चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, वो सोकर उठने के बाद रोते नहीं हैं, थोड़ी देर ऐसे ही अपने आप खेलते हैं, उसके बाद बहुत देर के बाद अगर मैं नहीं जाती हूँ तब भी वो रोते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ज़ोर से चिल्ला देते हैं, तभी मुझे पता चल जाता है कि कुली उठ गए। तो अभी वो खेल रही है, तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट ले जाऊँगी। मैंने उसको खिड़की से देखा है, दरवाज़ा खुल कर नहीं देखा, तो अभी मैं जब जाऊँगी तो देखेंगे आप लोग वो कितना हैप्पी हो जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अगर कुली अगर नहीं उठे तो नहीं उठ जाते तो मैं किचन में थोड़ा कुछ है, मुझे किचन को थोड़ा सा साफ करना है, वैसे तो किचन को साफ करने का एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होता है, सब कुछ मेरा साफ ही रहते हैं, लेकिन क्या है ये जो रैक है, ये जो रैक मैंने लगाया है उसको एक्चुअली थोड़ा बहुत क्लीन का ज़रूरत है, तो उसको साफ़ करना था, लेकिन नहीं हो पाया पूरी लोग के मैं कभी ये सब साफ सफाई पॉसिबल देखती हूँ, बाद में अगर वो खेलते रहे तब मैं कर लूँगी, लेकिन इसका मतलब इसका साफ करना बहुत ही ज़रूरत है। इतना धूल गिर गया है, मतलब एकदम से वाइट कलर का हो गया है, तो मैं इसको फटाफट से साफ़ कर लूँगी जब पूरी खेलते रहेंगे। फिलहाल अभी तो पूरी को मैं थोड़ा सा खाना खिला दूँ, उसके बाद सब कुछ होंगे, तो
चलिए कुई का ब्रेकफास्ट रेडी है और कुई को देखने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो कोई का खाना खिलाने के बाद मैंने बैग को ठीक की, थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड की है और अभी बजने वाले हैं ईयर, तो 11 बजेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रैक मैंने नहीं मंगवाए थे, इसको यूज़ किया है काफ़ी दिन हो गया है। इसका रिव्यू भी मैं अच्छे ही दूँगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा है तो काफ़ी स्पेस, काफ़ी चीज़ें, आई थिंक यहाँ पे किचन का सारा कंटेनर आ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा फैमिली छोटी है तो छोटा छोटा चीज़ से हो जाता है। जैसे फैमिली अगर बड़ा है तो कंटेनर्स भी बड़ा होंगे, तो वो तो नहीं होंगे, लेकिन छोटे फैमिली के लिए ये काफ़ी मतलब इफेक्टिव चीज़ है। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, फटाफट इसको साफ़ करूँगी, थोड़ा सा किचन को साफ़ करूँगी ऊपर ऊपर से। वैसे तो किचन एकदम से साफ़ ही है, गैस वगैरह तो साफ़ ही है, लेकिन मैं धूल की बात कर रही हूँ, डस्ट की बात कर रही हूँ, डस्टिंग थोड़ा सा करूँगी किचन को। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मैं इसको साफ़ कर ही देती हूँ। तो थोड़ा बहुत डस्ट यहाँ पर जम गए हैं, फ्रिज के ऊपर है, ओवन के ऊपर है, चिमनी में है, लेकिन चिमनी को मैं आज साफ़ नहीं करूँगी। चिमनी तो बॉटम ही साफ़ करते हैं, मैं साफ़ बहुत ही कम करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सिंक पे थोड़ा सा बर्तन है, ये कुही का है और मैंने जो बर्तन धोए थे इसको मैं अभी रख दूँगी। और ये जो मनी प्लांट और स्नैक प्लांट है, इसको मैंने सुबह पानी दिया था, तो यहाँ पे है, इसको मैं अपनी जगह पे रखूँगी। तो चलिए फटाक से काम स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और ऊपर से कुही को भी अभी मुझे नहलाना है।
तो किचन मेरा साफ़ हो गया है, मैंने डस्ट वगैरह को साफ़ कर दी है और अभी काफ़ी गर्मी लग रहा है तो अभी मैं बेडरूम में थोड़ी देर बैठ करके पानी पीऊँगी और कुही को भी शायद थोड़ा सा नींद आ रही है तो इसको मैं थोड़े से सुला दूँगी और ये जब उठ जाएंगे उसके बाद मैं इसको नहला दूँगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ही सोकर उठ गए हैं तो अभी इसको मैं नीचे बिठा लूँगी और मैं फटाफट से लंच कर लूँगी। ऐसा ही होता है शायद बच्चे के साथ, पहले पता नहीं था तो अभी धीरे धीरे करके समझ में आ रही है। तो चलिए मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद कुही को भी साफ़ करना है। तो हम लोगों ने अभी लंच कर लिया है और कुही भी साफ़ हो गई है और इसी के साथ गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो कुही के साथ में हमेशा देते रहूँ। बाय।